खबरों की नई पहचान। धनबाद IIT ऐसा स्थान का ऊर्जा खनन, पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित करने का शानदार इतिहास रहा है। IIT बनने के बाद यह स्थान इंजीनियरिंग के अन्य क्षेत्रों में भी असाधारण प्रगति की है। यह स्थान सिर्फ शिक्षा का केंद्र ही नहीं, सॉइल इनोवेशन के सकारात्मक विचारों का भी केंद्र है। यह स्थान इनोवेशन के सोच को बढ़ा देने के लिए अलग अलग स्थान के रूप में जाना जाएगा। उक्त बातें झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने 41वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कही। वहीं राज्यपाल रमेश बैस ने IIT आइसम की 41वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस 41वें दीक्षांत समारोह का साक्षी बनना मेरे लिए हर्ष और गौरव की बात है। आज का दिन आप सभी छात्रों के लिए खुशी और उत्साह का दिन है। यह दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के लिए एक ऐतिहासिक पल है। राज्यपाल रमेश बैस के संबोधन के उपरांत छात्र छात्राओं को राज्यपाल के हाथों डिग्री प्रदान की गयी। प्रेरित करने की क्षमता है, यह निर्विवाद सत्य है कि इस प्रतिष्ठित संस्थान के विद्यार्थी विश्व में कहीं भी हो, उन्होंने अपने चुने हुए क्षेत्रों में एक विशिष्ट पहचान बनाकर राज्य और राष्ट्र का मान बढ़ाया है। मुझे खुशी है कि संस्थान न केवल अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से बल्कि व्यावहारिक परियोजनाओं के जरिए जनजाति समुदाय को प्रौद्योगिकी से जोड़कर समुदाय को लाभ पहुंचाने की दिशा में प्रयास कर रहा है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि संस्थान अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र के माध्यम से स्थानीय समुदाय को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है। मुझे यह भी अवगत कराया गया है कि संस्थान ने जामताड़ा जिले के अनुसूचित जनजाति के लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लक्ष्य को इतारा कृषि आधारित उद्यमियों को विकास के लिए कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है। शिक्षा का लक्ष्य मात्र उपाधि प्राप्त तक सीमित नहीं है और न ही यह सिर्फ धन प्राप्ति का एक जरिया है। शिक्षा मनुष्य को चरित्रवान बनाने के साथ साथ जिम्मेदार नागरिक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। किसी संस्थान की स्थापना और संचालन में वहां के पूरे समाज का योगदान होता है, इसलिए शिक्षण संस्थानों को भी चाहिए कि वे पूरे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। समाज सेवा के महत्व को समझना और उसमें सक्रिय होना राष्ट्र निर्माण के साथ साथ आत्मनिर्माण के लिए भी जरूरी। बहुत अच्छा लग रहा है, ईश्वर का आशीर्वाद है कि ऐसे अवार्ड मुझे मिला है और मेंबर्स को मेरा हार्टिएस्ट थैंक यू, क्योंकि अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करते, गाइड नहीं करते, तो हम लोग यहाँ नहीं आ पाते। अपने फैमिली के साथ आए? हाँ, मेरे मम्मी आए हैं, चाचा जी आए हैं, पापा हैं, तो मैं फैमिली के साथ आई हूँ। गर्म महसूस हो रहा है कि आज राजपाल के? थोड़ा गर्म है। क्या नाम हुआ था? अरुणिमा महापात्र। हाँ, एक्चुअली ये जो कन्वोकेशन हुआ है 41st कन्वोकेशन ITISM में, ये हमको लग रहा है 2019 बैच के बाद का कन्वोकेशन है, जो कि हम लोग के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। और कॉलेज के जो मतलब एडमिन डिपार्टमेंट है वो इतने अच्छे से हैंडल किए हैं। ये वर्चुअल भी हो रहा था कोविड के टाइम में, बट हमारा ये कॉलेज ITISM डायरेक्टर सर इन लोगों ने इंसिस्ट किया कि ये ऑफलाइन हो, ताकि यहाँ पे जो टच होता है ना, एक स्टूडेंट को फील हो यहाँ पे आने के बाद कि आप कैसे पास आउट होते हो, क्या एक्सपीरियंस करते हो। हम लोग 4 साल के बाद आए हैं कॉलेज और डिग्री हम लोग सर के द्वारा मिला गया हम लोग को, राज्यपाल भी आए, सम्मानित किए, बहुत अच्छा लगा।